हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलम वेल्डिंग वर्क्स में। दोस्तों जैसे कि आपके सामने एक स्कूटर खड़ा है जो कि आपको बच्चे वगैरह चलाते हैं गली मोहल्ले में वगैरह आपको देखने को मिला होगा या फिर आपने किसी पिक्चर वगैरह में देखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी स्कूटर या फिर आप किसी गाड़ी वगैरह चार पहिए वाली बोल सकते हैं। तो दोस्तों हम आज इसी स्कूटर के बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस गाड़ी का व्यू जो है काफी बढ़िया और काफी यूनिक ये गाड़ी दिख रही है, स्कूटर भी बोल सकते हैं। दोस्तों आप इसको अब देख सकते हैं, नीचे हमने इसके चारों साइड बेयरिंग लगाए हैं और यहाँ पे ये जो इसका हैंडल है ऊपर से पकड़ के यहाँ से मूवमेंट होता है जो कि गाड़ी को घुमाने वगैरह में सहायता देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो हमने ये जो इसकी ये पाइपिंग लगाई है ये 1.25 इंच पाइप है जो कि 10 इंच का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे बच्चा ऐसे पकड़ के और पैर रख के यहाँ से आराम से चला सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो ये पाइप लगा है ये इसकी हाइट है 1.5 फीट का जो ये पाइप है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो हमने यहाँ पे जो ये सरिया लगाया हुआ है 16 mm का सरिया है जो गोल सरिया है और जो कि हमने इसको यहाँ से ग्राइंडिंग से घिस के और इसको यहाँ पे बेयरिंग के अंदर फिक्स करके और बाहर से हमने यहाँ पे वाइशर वेल्डिंग कर दिया है तो ताकि ये जो बेयरिंग है इसे छूट ना सके, इसे निकल ना सके बाहर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसकी रोक बना दी। तो चारों ही बेयरिंग में हमने ये रोक लगाई हुई है। दोस्तों अब देख सकते हैं पीछे से मैं इसका आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों देखने में ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चे लोगों को बहुत ही पसंद आती है। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्कूटर या फिर कोई गाड़ी वगैरह का डिजाइन है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर या फिर मेरा मेल आईडी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप मैं बात कर लेता हूँ इसके स्कूटर के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी ये पूरा मूवमेंट हो जाता है, यहाँ से आप ये चल सकते हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके नीचे के बारे में, इसके नीचे की मजबूती के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से इसका यहाँ पे होल करके पाइपिंग लगाई हुई है जो यहाँ पे ऊपर की साइड में वाइशर वगैरह लगा के और इसकी जो चाल रहती है इसकी मतलब हिलने की कैपेसिटी बिल्कुल मैंने कम कर दी है जहाँ से ये आराम से मूवमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने एक सरिया वेल्ड किया है जो यहाँ तक ऊपर तक आया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने एक ड्रिल करके एक पिन डाल रखी जिससे कि वो आराम से मूवमेंट कर सके और निकलने में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वाइशर लगा के इसकी एक पिन डाल रखी जिससे पकड़ इसकी मजबूत बनी रहे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसकी जो चद्दर लगाई हुई है वो 19 गेज की मोटी चद्दर है जिसको हमने यहाँ पर बेंड करके नीचे की साइड में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए एक पत्ती भी लगाई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने ये इसकी कोर पे ना यहाँ पे एक 10 mm का सरिया लगाए हुए हैं जो कि बच्चे के वेट से इसको चद्दर को बेंड ना हो सके। तो दोस्तों इसको अच्छी मजबूती मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो ये सरिया है इसके साथ में नीचे दोनों वेल्ड है आपस में जो कि इसको मजबूती देते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने आगे भी एक सरिया लगाया हुआ है और यहाँ पे ये सब कुछ ग्राउटिंग है तो ये यहाँ से बिल्कुल मजबूत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे से मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी बता दी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी मार्केट प्राइस के बारे में। तो दोस्तों आपको ये स्कूटर या फिर गाड़ी या फिर चारपाई अगर आप इसे बोल सकते हैं दोस्तों ये आपको ओनली 450 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों हाँ बहुत ही सस्ते दाम में, बिल्कुल आपने सही सुना, 450 रुपये। दोस्तों आपको एक बहुत ही सस्ता स्कूटर मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा बनवाना है तो आप नीचे में जरा लिंक मिल जाएगा जहाँ से मैं आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा मेल आईडी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद है तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई स्कूटर को लेकर कोई सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।